नमस्कार, दोपहर समाचार में आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उड़ीसा के बालांगीर में 1,500 करोड़ रुपए से अधिक लागत की कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण किया। कहा, इन परियोजनाओं से समूचे पूर्वी भारत में विकास को बढ़ावा मिलेगा। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में कुंभ 2019 शुरू, 1.5 करोड़ से अधिक श्रद्धालु आज के स्नान में शामिल। आज सेना दिवस मनाया जा रहा है। सेना अध्यक्ष जनरल बिपिन रावत ने कहा, सीमा पर आतंकी गतिविधियों से निपटने के लिए सेना कार्रवाई करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ेगी। ब्रिटिश सांसद आज प्रधानमंत्री टेरेसा मे के ब्रेक्सिट समझौते पर मतदान करेंगे। और एडिलेड में दूसरे एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में शॉन मार्श के शतक की बदौलत ऑस्ट्रेलिया ने भारत को 299 रन का लक्ष्य दिया। दोपहर समाचार के साथ मैं लवली निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज उड़ीसा में बलांगीर में शिक्षा, संस्कृति, पर्यटन और कनेक्टिविटी से संबंधित 1,500 करोड़ रुपए से अधिक लागत की कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण किया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा, पूर्वी भारत के विकास के लिए, उड़ीसा के विकास के लिए मैं आपके बीच आया हूं। यहां 1,550 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं का उद्घाटन किया गया है। ये परियोजनाएं शिक्षा से जुड़ी हैं, कनेक्टिविटी से जुड़ी हैं, संस्कृति और पर्यटन से जुड़ी हुई हैं और मुझे खुशी है कि आज केंद्रीय विद्यालय सोनेपुर के स्थायी भवन का शिलान्यास हुआ है। प्रधानमंत्री ने 1,000 करोड़ रुपए की लागत की कुल 813 किलोमीटर लंबी झारसुगुड़ा विजयनगरम और संबलपुर अंगुल रेल लाइनों की विद्युतीकरण परियोजनाओं को राष्ट्र को समर्पित किया। उन्होंने बारपाली, डुमरीपाली और बालांगीर देवगांव रेल लाइनों को दोहरा करने के कार्य का भी उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री ने 115 करोड़ रुपए की लागत से 15 किलोमीटर लंबी बालांगीर बिछुपली रेल लाइन का भी उद्घाटन किया। इस अवसर पर श्री मोदी ने कहा, बलांगीर से बिछुपली के बीच इस रूट पर नई ट्रेन भी आज से शुरू हो गई है। इससे न सिर्फ आपका समय बचेगा बल्कि पैसे की भी बचत होगी। आज जिस रेल लाइन का उद्घाटन हुआ है उसका विस्तार खोरदा तक हो रहा है, तो हावड़ा चेन्नई तक से ये क्षेत्र जुड़ जाएगा। दिल्ली और मुंबई जैसे शहरों से भुवनेश्वर और पुरी की दूरी भी कम हो जाएगी। प्रधानमंत्री ने झारसुगुड़ा में मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क को भी राष्ट्र को समर्पित किया। ये पार्क घरेलू और वैश्विक व्यापार के सिलसिले में वस्तुओं के परिवहन को बढ़ावा देगा और इससे झारसुगुड़ा परिवहन का केंद्र बन जाएगा। तिरुवल्ली और सिंगापुर रोड के बीच सड़क पुल का भी प्रधानमंत्री ने उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री ने जगत सिंहपुर, केन्द्रपाड़ा, पुरी, फुलबनी, बरगढ़ और बालांगीर में पासपोर्ट सेवा केंद्रों का भी उद्घाटन किया। उन्होंने सोनपुर में केंद्रीय विद्यालय के स्थायी भवन और बौद्ध जिले में नीलमाधव तथा सिद्धेश्वर के जीर्णोद्वार और रखरखाव के कार्य का भी उद्घाटन किया। बाद में एक जनसभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि आज जो परियोजनाएं शुरू की गई हैं उससे न सिर्फ ओडिशा में बल्कि समूचे पूर्वी भारत में विकास को बढ़ावा मिलेगा। उन्होंने कहा कि विपक्ष को देश के प्राकृतिक संसाधनों की कोई जानकारी नहीं है और उन्होंने सरदार पटेल की प्रतिमा स्थापित करने का भी विरोध किया था। जिस स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का ये मजाक उड़ा रहे थे उसने सरदार पटेल की ऊंचाई को तो प्रस्थापित किया ही है। आज वो देश में पर्यटन के अहम केंद्रों में से एक बन गई। दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा की वजह से वहां जो आसपास के लोग हैं उनको रोजगार के अनेक अवसर मिल रहे हैं। यही टूरिज्म की ताकत है। भारत के पास तो हेरिटेज टूरिज्म की अनेक संभावनाएं, उनको नया विस्तार देने का काम हम ओडिशा में भी कर रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार ने देश के समग्र विकास के लिए 5 कदम उठाए हैं। उन्होंने कहा कि ये कदम हैं बच्चों की शिक्षा, युवाओं के लिए रोजगार, बुजुर्गों के लिए दवा, किसानों के लिए सिंचाई और आम लोगों के लिए जनसुनवाई। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि इसमें आर्थिक रूप से पिछड़े सामान्य वर्गों के लिए शिक्षा और नौकरियों में 10% आरक्षण के लिए हाल में उठाया गया एक और कदम भी जुड़ गया है।
प्रधानमंत्री मोदी आज बाद में केरल में कोल्लम जाएंगे और मेवरम को कावानाड से जोड़ने वाले 13 किलोमीटर बाईपास मार्ग का उद्घाटन करेंगे। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन भी उपस्थित रहेंगे। एक रिपोर्ट। राष्ट्रीय राजमार्ग 66 में मेवरम और कवनाड को जोड़ने वाले 13 किलोमीटर बाईपास के शुरू होने से तिरुवनंतपुरम से कोल्लम होकर पूरे राज्य का संपर्क सुगम हो जाएगा। बाईपास का उद्घाटन करने के बाद प्रधानमंत्री कोल्लम के कैंटोनमेंट मैदान में जनसभा को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री तिरुवनंतपुरम में श्री पद्मनाभ स्वामी मंदिर में दर्शन करेंगे और स्वदेशी दर्शन कार्यक्रम के अंतर्गत मंदिर परिसर में विभिन्न सुविधाओं की शुरुआत भी करेंगे। प्रधानमंत्री की यात्रा के मद्देनजर सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त किए गए हैं। तिरुवनंतपुरम से शमीला की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं शिवप्रकाश मिश्र। देशभर में आज 71वां सेना दिवस मनाया जा रहा है। इसका आयोजन 1949 में जनरल केएम करियप्पा द्वारा तत्कालीन ब्रिटिश कमांडर इन चीफ जनरल सर एफएआर बचर से सेना की कमान का कार्यभार संभालने की स्मृति में हर साल आज ही के दिन मनाया जाता है। नई दिल्ली में सैन्यकर्मियों को संबोधित करते हुए थल सेना अध्यक्ष जनरल बिपिन रावत ने कहा कि सेना सीमा पर पाकिस्तान की ओर से आतंकी गतिविधियों से निपटने के लिए कठोर कार्रवाई करने से नहीं हिचकेगी। उन्होंने कहा कि भारत की पश्चिमी सीमा पर बाहरी समर्थन पाने वाले आतंकी गिरोह से कारगर तरीके से निपटने में सेना पूरी तरह सक्षम है। अपनी सीमाओं की सुरक्षा की लगातार समीक्षा करते रहेंगे और हमारे जवान कार्रवाई में किसी प्रकार का समझौता नहीं होने देंगे। सरकार द्वारा दिए गए आदेशों का पूर्ण रूप से पालन होता रहेगा। जम्मू कश्मीर के आंतरिक इलाकों में हमने अन्य सुरक्षा बलों के साथ मिलकर सख्त कार्रवाई करते हुए आतंकवादियों को भारी नुकसान पहुंचाया है। सेना अध्यक्ष ने सैनिकों से सोशल मीडिया इस्तेमाल करते समय बेहद चौकस रहने को कहा। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, पूर्व राष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सेना दिवस के अवसर पर सैनिकों और उनके परिजनों को शुभकामनाएं दी हैं। राष्ट्रपति ने कहा कि हमारे सैनिक राष्ट्र का गौरव हैं और हमारी स्वतंत्रता के पहरेदार हैं। उपराष्ट्रपति ने कहा कि हम सबकी ये जिम्मेदारी है कि हम सब भारतीय सेना का हौसला और उसके प्रति सम्मान बरकरार रखें। प्रधानमंत्री ने अपने संदेश में कहा कि भारतवासियों को अपने सैनिकों के हौसले और बलिदान पर गर्व है। सूचना और प्रसारण मंत्री कर्नल राज्यवर्धन राठौर ने कहा कि हमारी सेना का प्रत्येक सैनिक अद्वितीय शौर्य और असीम संकल्प का प्रतीक है और भारतीय सेना के आदर्श वाक्य को प्रदर्शित करता है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। विश्व का सबसे बड़ा धार्मिक सांस्कृतिक कुंभ 2019 आज उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में पवित्र स्नान के बाद शुरू हो गया। मेले का शुभारंभ विभिन्न अखाड़ों के साधु संतों की गंगा, यमुना और विलुप्त सरस्वती की धाराओं में पहली डुबकी लगाने के साथ हुआ। स्नान के लिए 21 घाट बनाए गए हैं। महिलाओं के लिए विशेष व्यवस्था की गई है। पहली बार 3 महिला पुलिस थाने स्थापित किए गए हैं। 45 पुलिस थाने, 58 पुलिस चौकियों और 3 महिला पुलिस थानों सहित 20,000 सुरक्षाकर्मी तैनात किए गए हैं। हमारे संवाददाता ने निदेशक सूचना उत्तर प्रदेश सरकार शिशिर कुमार के हवाले से बताया है कि दोपहर 1:30 बजे तक 1.5 करोड़ से ज्यादा लोगों ने पवित्र स्नान किया। दिव्य कुंभ, भव्य कुंभ और स्वच्छ कुंभ का साकार रूप आज कुंभ मेले के पहले शाही स्नान के दौरान संगम तट पर साफ नजर आ रहा है। मकर संक्रांति के मौके पर आस्था और विश्वास की पवित्र डुबकी लगाने के लिए लाखों की तादाद में लोग रात से ही संगम तट पर पहुंचने लगे थे। गाजे बाजे और विशाल जुलूस के साथ अखाड़ों के शाही स्नान का सिलसिला सुबह 5 बजे से शुरू हुआ और देर शाम तक चलेगा। प्रशासन ने सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए हैं। वहीं स्वच्छ कुंभ के लिए भी विशेष तैयारियां की गई हैं। कुंभ मेला शहर के संगम तट से एमएस यादव के साथ शशांक कुमार, आकाशवाणी समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस अवसर पर लोगों को शुभकामनाएं दी हैं। अपने ट्वीट में प्रधानमंत्री ने आशा व्यक्त की कि भारत और विदेश के श्रद्धालु देश की आध्यात्मिक, सांस्कृतिक और सामाजिक विविधता के प्रत्यक्षदर्शी होंगे। मकर संक्रांति का पर्व देश के विभिन्न भागों में आज भी मनाया जा रहा है। इसे तमिलनाडु में पोंगल, गुजरात में उत्तरायण, असम में भोगाली बिहू और पश्चिम बंगाल में पौष संक्रांति के रूप में मनाया जाता है। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने इस अवसर पर लोगों को बधाई दी है। मानव संसाधन विकास मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा है कि पिछले 5 सालों में सरकार ने ज्यादा रोजगार पैदा करने के लगातार प्रयास किए हैं। श्री जावड़ेकर आज नई दिल्ली में भारतीय उद्योग महासंघ CII द्वारा रोजगार और आजीविका पर आयोजित कार्यक्रम में बोल रहे थे। इस अवसर पर रेल मंत्री पीयूष गोयल ने कहा
कि भविष्य में अक्षय ऊर्जा क्षेत्र में न केवल रोजगार के बेहतर अवसर उपलब्ध होंगे बल्कि इस क्षेत्र से जुड़े लोग पर्यावरण संरक्षण में भी मदद कर पाएंगे। नागर विमानन मंत्री सुरेश प्रभु ने आज सुबह मुंबई में विश्व विमानन शिखर सम्मेलन 2019 का उद्घाटन किया। इस अवसर पर श्री प्रभु ने कहा कि भारत का विमानन क्षेत्र सबसे तेजी से विकसित हो रहा है और इस क्षेत्र के सभी प्रतिभागियों को एकजुट होकर नए नए विचारों पर चर्चा करनी चाहिए। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि 2020 के प्रारंभ में राज्य सरकार नई मुंबई के हवाई अड्डे को चालू कर देगी जिसमें देश के सकल घरेलू उत्पाद में 1% की वृद्धि करने की क्षमता है। विज्ञान और टेक्नोलॉजी मंत्री डॉ हर्षवर्धन ने आज नई दिल्ली में दूरदर्शन के डीडी साइंस और इंडिया साइंस नाम के नए चैनलों की शुरूआत की। डीडी साइंस विज्ञान और टेक्नोलॉजी पर दूरदर्शन का पहला दैनिक स्लॉट है जबकि इंडिया साइंस इंटरनेट आधारित चैनल है। ये समाचार आकाशवाणी हमारी वेबसाइट newsonair.nic.in पर भी उपलब्ध हैं। ब्रिटेन के पार्लियामेंट के सदस्य यूरोपीय संघ से अलग होने के बारे में प्रधानमंत्री टेरेसा मे द्वारा किए गए समझौते के मसले पर आज मतदान की तैयारी कर रहे हैं। इस मुद्दे पर पार्लियामेंट में 5 दिन की बहस के बाद आज रात वोट डाले जाएंगे। टेरेसा मे ने सदस्यों से समझौते के पक्ष में मतदान करने का आग्रह करते हुए ये भी कहा कि ऐसा न करने पर ब्रिटिश लोगों को भारी निराशा का सामना करना पड़ेगा। बीबीसी के अनुसार टेरेसा मे की अपनी पार्टी के कई सदस्य समझौते के खिलाफ मतदान करने में विपक्ष का साथ दे सकते हैं और सत्ता पक्ष की हार हो सकती है। सदस्य प्रस्ताव पर संशोधनों का भी सुझाव दे सकते हैं जिससे मतदान से पहले इसमें फेरबदल करनी पड़ सकती है। संयुक्त राष्ट्र की बहुपक्षीय प्रणाली में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए भारत को शुभकामनाएं देते हुए संयुक्त राष्ट्र महासभा अध्यक्ष मारिया फर्नांडा एस्पिनोजा ने कहा है कि जलवायु कार्य योजना और गरीबी उन्मूलन जैसे क्षेत्रों में भारत अग्रणी भूमिका निभा रहा है। एक समाचार एजेंसी के साथ इंटरव्यू में सुश्री एस्पिनोजा ने इस बात पर जोर दिया कि भारत की विशाल जनसंख्या को देखते हुए जलवायु परिवर्तन और गरीबी उन्मूलन जैसे मुद्दों पर उसके द्वारा उठाए गए कदम बड़ी अहमियत रखते हैं। उन्होंने कहा कि आतंकवाद से निपटने में भी भारत की महत्वपूर्ण भूमिका है। सुश्री एस्पिनोजा ने संयुक्त राष्ट्र महासभा के 73वें सत्र के अध्यक्ष की हैसियत से भारत के साथ मिलकर कार्य करने की इच्छा भी व्यक्त की। उच्चतम न्यायालय ने आज संघ लोक सेवा आयोग के सचिव से व्यक्तिगत रूप से प्रस्तुत होकर अदालत को यह बताने को कहा है कि क्या आयोग राज्य सरकारों द्वारा पुलिस महानिदेशकों की नियुक्ति के लिए वरिष्ठ आईपीएस अधिकारियों का पैनल तैयार करता है। मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई की अध्यक्षता में गठित एक पीठ ने संघ लोक सेवा आयोग के सचिव को कल न्यायालय में पेश होने को कहा है। ये आदेश वकील प्रशांत भूषण की उस दलील के बाद आया है कि संघ लोक सेवा आयोग वरिष्ठ आईपीएस अधिकारियों की सूची तैयार नहीं करता है बल्कि ये कार्य कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग द्वारा किया जाता है। एडिलेड में दूसरे एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में ऑस्ट्रेलिया ने भारत को 299 रन की चुनौती दी है। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए ऑस्ट्रेलिया की शुरुआत खराब रही और उसके दोनों सलामी बल्लेबाज जल्दी ही आउट हो गए। शॉन मार्श के 131 रन की बदौलत ऑस्ट्रेलिया ने निर्धारित 50 ओवर में 9 विकेट पर 298 रन बनाए। ताजा समाचार मिलने तक भारत ने 19 ओवर में 2 विकेट पर 103 रन बना लिए हैं। ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स में सेरेना विलियम्स ने जर्मनी की तात्याना मारिया को सीधे सेटों में हरा दिया है। सेरेना ने 2 साल पहले मेलबर्न में 23वां ग्रैंड स्लैम खिताब जीता था और अब वे अपने ही देश ऑस्ट्रेलिया की धरती पर 24वें ग्रैंड स्लैम का खिताब जीतने की ओर अग्रसर हैं। राजधानी दिल्ली में आज सुबह कड़ाके की ठंड रही। न्यूनतम तापमान सामान्य से 2 डिग्री नीचे 7 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। कोहरे के कारण कम से कम 13 रेलगाड़ियां देरी से चल रही हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ओडिशा के बलांगीर में 1,500 करोड़ रूपये से अधिक लागत की कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण किया। प्रधानमंत्री ने कहा है कि इन परियोजनाओं से समूचे पूर्वी भारत में विकास को बढ़ावा मिलेगा। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में कुंभ 2019 शुरू हो गया है। 1.5 करोड़ से अधिक श्रद्धालु आज के स्नान में शामिल हुए। आज सेना दिवस मनाया जा रहा है। सेना अध्यक्ष जनरल बिपिन रावत ने कहा है कि सीमा पर आतंकी गतिविधियों से निपटने के लिए सेना कार्रवाई करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ेगी। ब्रिटिश सांसद आज प्रधानमंत्री टेरेसा मे के ब्रेक्जिट समझौते पर मतदान करेंगे। एडिलेड में दूसरे एक दिवसीय क्रिकेट मैच में ऑस्ट्रेलिया ने भारत को 299 रन का चुनौती दी है।
इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।